हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज का एक्सपेरिमेंट काफी मजेदार है। आपको यहाँ पर बलून्स दिख रहे होंगे कुछ, एंड यहाँ पर एक मौसमी भी है, और आपने देखा होगा कि ये बलून को इस मौसमी के चिकले या क्या बोला तूने? या नारंगी के या कोई भी नींबू के छिलके से इसको फोड़ देते हैं। तो गाइस, आज अपन भी ट्राई करके देखते हैं क्या ये रियल एक्सपेरिमेंट होता है या फिर नहीं। तो गाइस, चलिए फिर बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को बलून को फुला लेना है। इसका मदद कर देते हैं, आपको नजदीक से दिखाते हैं। सेट कर लेते हैं अपन। ये भगवान, क्या जुलूम है! आपने देखा, मैं इस मौसमी को छील रहा था तभी अपना यहाँ पर बलून रखा हुआ था और वो तुमसे फूट गया। हो सकता है इसकी वजह से फूटा हो। गाइस, मैं छील रहा था मौसमी को, तो हो सकता है इसका रस उसके लगा हो इसलिए वो फूट गया। तो गाइस, एक बार उसको ट्राई कर। मेरे को छीलना भी नहीं आता गाइस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो गाइस, अपने तीन बलून तो फूट चुके हैं, क्यों ना इसको कुछ अलग तरीके से ट्राई किया जाए। इसके अंदर गाइस पानी भरते हैं अपन, वाटर, फिर इसको फोड़ के देखते हैं क्या ये फूट पाएगा। तो चलिए फिर पानी भरते हैं इसके अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके अंदर पानी भर रहा है, आप देख सकते हो। मैं आपको नजदीक से भी दिखा देता हूँ। के छिलके से अब अपन बलून को फोड़ने वाले हैं। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो देखते हैं कि क्या ये फूट पाएगा। क्योंकि जब अपन कोई आग से इस बलून को फोड़ते हैं, पानी भरा होता है, तो वो नहीं फूटता है। तो क्या इससे फूट पाएगा, देखते हैं गाइस। गाइस, नहीं हो रहा है। मैंने उस बलून पे इसको टच किया तो वो फूट गया। मैंने सोचा कि नहीं फूटेगा, गाइस फूट गया। तो गाइस, आप देख सकते हो, बट हवा में था तब नहीं फूट रहा था। गाइस, एक और ट्राई करते हैं। अपन दूसरा बलून लिया है, इसके अंदर पानी भर दिया अपन ने, और इसको भी अब एक बार और ट्राई करके देखते हैं क्या ये फूट पाएगा। पिछले वाले बलून में तो अपन ने इसको टच कर दिया था तो फूट गया था। तो गाइस, एक बार अपन इसको इसी तरीके से दूर रखकर चेक करने वाले हैं। गाइस, देख सकते हो आप ये कितने दूर है। गाइस, मैं इसको देखिए, गाइस नहीं फूट रहा है क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर जैसे ही, वाह क्या सीन है, तो गाइस हल्की सी झलक से ही फूट जाता है। गाइस, ये देखा आपने, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। गाइस, हल्का सा दबाया था जिसमें चला गया। गाइस, आपके मन में तो एक सवाल जरूर होगा कि ये बलून कैसे फूटा और क्यों फूटा और इसके पीछे की साइंस क्या है। तो गाइस, मैं बताता हूँ आपके, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की साइंस क्या है। तो गाइस, ये जो मौसमी का छिलका है, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो बलून है वो एक लेटेक्स से बना होता है। आप सोच रहे होंगे ये लेटेक्स क्या है। तो गाइस, लेटेक्स एक वनस्पति दूधीय तरल पदार्थ होता है
जैसे कि आपने देखा होगा गाइस, कई ऐसे पेड़ होते हैं जिसके जिसको अपन काटते हैं तो उसके अंदर दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। और वो वायु के संपर्क में आने से सूख जाता है। तो गाइस रबड़ का पेड़ होता है उससे बना होता है जिसको अपन लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स एक दूधीय तरल पदार्थ है जिससे ये बलून को बनाया जाता है पूरी प्रकृति। तो गाइस अगर आप बलून के ऊपर पेट्रोल की बूंद भी डालोगे तो भी ये बलून फूट जाएगा क्योंकि वो भी एक कार्बनिक पदार्थ है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसके पीछे की साइंस। तो एक लाइक तो बनता है यार, और एक कमेंट भी करके बता देना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलते हैं इसी तरह और भी मजेदार एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।